जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपके अपने परिवार में तो कैसे हैं आप लोग hmm. बहुत जबरदस्त भाई धुआं धुआं बिल्कुल है बहुत ही जबरदस्त तो अगले कुछ मिनट में जो बातें कहने वाला हूं बड़े ध्यान से समझना आज जो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पहली क्लास है लेकिन मेरा दावा है आपको कि मैं आज आपको ऐसा कांसेप्ट देने वाला हूं साधारण ब्याज के सवालों को हल करने के लिए जो आपको किसी भी किताब में या किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है दिन रात काम करके आप लोगों के लिए एक ऐसा कांसेप्ट तैयार किया है जिसमें आपको पेन उठाने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एमटीएस से लेकर सीजीएल मेंस तक के सवाल को आप सेकंडों में बना पाएंगे ठीक है थोड़ा सा हम सवाल को बेसिक से शुरू करेंगे और जहां पर हम उस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे वहां पर हम आपको पहले ही बता देंगे कि अब आपका फादर ऑफ ऑल स्टार्ट होने वाला है आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना भी कैलकुलेटिव क्यों नहीं है चाहे वो नए पैटर्न पर है चाहे वो पुराने पैटर्न पर है चाहे वो टीसीएस ने भयंकर से भयंकर डेटा भी क्यों नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी आप कंसेप्ट को आसानी से समझ रहे हैं और आप उसको सेकेंडो में बना पा रहे हैं ठीक है और सेशन के एंड में आप भी बोलेंगे वाह भाई मजा आ गया ठीक है ऐसा खतरनाक कंसेप्ट आप लोगों को मिलने वाला है तो उसके पहले बस एक काम करना है प्यारा सा इसके लिए हमारी आपसे विनती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो अभी ही जुड़ जाएं बीच सेशन में जुड़ेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ठीक है बीच सेशन में जुड़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसीलिए इस वीडियो को अगर पूरे तरीके से समझना है इस कंसेप्ट को आपको अगर अपना बनाना है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा एक एक बात जो मैं बताऊंगा वो आपको पूरा समझना पड़ेगा पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ठीक है भाई तो जल्दी से आ जाओ लाइव ठीक है हर जगह पर शेयर कर दो वीडियो को ताकि हम इस सेशन को शुरुआत करें ठीक जैसा कि आपको पता है कि ये जो फाउंडेशन बैच मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ये इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे फाउंडेशन बैच का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का लिंक है आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको एक से एक एक से एक वीडियो आपको लगातार मिलते जाएगी जो फ्री है आप सभी के लिए यूट्यूब पर जिसको पढ़कर आप अपने कंसेप्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपर हूं और टॉपर बनाने आया हूं इंस्पेक्टर बनने वाला हूं इंस्पेक्टर बना के रहूंगा आप लोगों को इस बात को समझ लो तो बस इंस्पेक्टर बनाने की तैयारी है मेरे दोस्त ठीक है इसी के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज उसके पहले आप सभी के लिए चंद बातें जो है हमारी तरफ से है ठीक है एक प्यारा सा लाइन आप सभी के लिए जरा देखिए लाइन में क्या लिखा है ठीक कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है ठीक है मेरे दोस्त आप सभी को यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप सच में एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं अगर आप सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं अगर आप सच में अपने कंधों पर सितारा लाना चाहते हैं तो आपको लोगों की अच्छी बातों से नहीं ठीक है आपको किस चीज से लड़ना पड़ेगा ठीक है आपको अपनी रातों से लड़ना पड़ेगा आपको इस ठंडी में थोड़ा सा कंबल से बाहर आके अपने स्टडी टेबल पर बैठना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा

हर बॉल पे आज बाउंड्री लगने वाली है इस बात का ध्यान रखिए बहुत प्यारे प्यारे आप सभी के लिए किया है तो सेशन को शुरू करते हैं देखो सेशन को शुरू करने के पहले छोटी मोटी बातें समझनी पड़ेंगी अगर हम साधारण ब्याज के सवाल को लगा रहे हैं पहले ये तो समझे कि साधारण ब्याज है क्या फिर तभी तो उनके कंसेप्ट हम काम कर पाएंगे और उन सवालों को लगा पाएंगे तो साधारण ब्याज क्या है देखो साधारण ब्याज जो है अल्टीमेट पूरा का पूरा गेम है आपका रेट का अगर आप बात करेंगे साधारण ब्याज की बात करेंगे चक्रविधि ब्याज की तो प्री में आपका एक से दो सवाल रहता है और मेंस में पांच सवाल रहते हैं ठीक है यानी जितने का आपका एक पूरा का पूरा ज्योग्राफी है उतने का का आपका ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है आप ऐसे समझ सकते हो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो जैसे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं जैसे मानो कि अगर मैं यूं कहूं आपको ठीक है पूरे साधारण ब्याज को डिफाइन करने के लिए तो सारा साधारण ब्याज आपको ये डिफाइन करता है ये शब्द रेट रेट यानी दर ठीक है रेट यानी क्या हो गया हमारा दर हो गया ठीक दर के हिसाब से ही हम परिभाषित कर पाएंगे अपने ब्याज को दर के हिसाब से हम परिभाषित कर पाएंगे अपने मूलधन को अपने मिश्र धन को ठीक है इसके साथ हम भी देखेंगे कि क्या होता है और बिना फॉर्मूले के भी हम सवाल को करेंगे जैसे मानिए मानिए अगर अगर हम ये कहते हैं कि पर पर अगर है, हमारा एक रुपए का ब्याज है सौ रुपये पर हमारा एक रुपये का ब्याज है तो एक रुपये पर वो ब्याज कितना होगा प्रति सौ पर अगर एक का ब्याज तो एक पर ब्याज कितने का होगा तो बोलेंगे सर सौ रुपए का अगर एक पर ब्याज एक बटे सौ का तो पी पर ब्याज कितने का होगा मेरे भाई तो बोलोगे सर P बटे का समझ में आ गया बात बात अगर रेट R के मुझे ये बात बताना है तो मैं क्या P सर R और अगर अगर मुझे मुझे यही ब्याज T T समय के 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 बाद 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 बताना है दो साल के बाद, तीन साल के बाद, चार साल टाइम तो हम बोलते हैं क्या लिखते हैं आया तो ये हमारा इसी कंसेप्ट से रेट के परिभाषा से आया यानी जब हमने ये बात कही थी कि 100 पर अगर एक का ब्याज है तो एक पर कितने का ब्याज होगा तो एक बटे सौ तो P मूलधन पर जो ब्याज होगा तो पी बटे सौ ठीक है अगर रेट को R परसेंट कर दे तो पी इन बटे हंड्रेड समय T कर दे तो इतना बहुत बच्चे जो है ये किताबी फॉर्मूला याद करते हैं लेकिन आपको इस फॉर्मूला से हम निजात दे देंगे कहीं पर भी आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात को ध्यान रखिए बिना फॉर्मूला का उपयोग किए हम सवालों को बनाएंगे जो सारा खेल होता है मेरे भाई वो होता है आपको रेट का जैसे अगर मानिए हमने कहा कि अगर ब्याज जो है वो 10 परसेंट प्रति एनम है 10 परसेंट परसेंट प्रति वर्ष है तो ये 10 परसेंट क्या कहता है अपने आप आप में में इस 10 10 10 का मतलब होता 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 है 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 कि 10 को जब आप बटे में तोड़ेंगे तो वो होता है एक बटे दस। जहां पर ये जो दस होता है ना ये हमारा बताता है मूलधन के बारे में आप ऐसे कह सकते हो कि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं कि जो आपको लाभ होता है वो किस पर होता है हमेशा क्रय मूल्य पे उसी तरीके से जो आपको ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे मिलता है ठीक है ऊपर जो दिया गया होता है ये एक क्या होता है तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज यानी एसआई, ठीक है इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज लेकिन सबसे बड़ी बात है ठीक है सबसे बड़ी बात है कि ये ये जो एक रुपया ब्याज होता है ये कितने सालों का होता है तो आपका अगर रेट पर एनम दिया गया है तो ये एक रुपया ब्याज जो है वो एक साल का है यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन है तो एक साल का ब्याज कितना होगा एक रुपये अगर हमारा दो साल का ब्याज बोले तो दो रुपए तीन साल का ब्याज बोले तो तीन रुपए चार साल का ब्याज बोले तो चार रुपए यह बात क्लियर है समझ में आ गया बात यहां पे ठीक अब साधारण ब्याज में क्या क्या चीजों को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले

सा जो हम किसी से ब्याज पे लेते हैं या हम किसी को ब्याज पे देते हैं समझ में आ रहा है बात प्रिंसिपल कभी भी स्थिर होता है प्रिंसिपल नहीं बदलता जैसे अगर हम लाभ और हानि में बात करें तो हमारा क्रय क्रय मूल्य स्थिर होता है मूल्य नहीं बदलता उसी तरीके से हमारा हमारा प्रिंसिपल भी नहीं बदलता है है फिर उसके बाद आता सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ही को आप कह सकते हो ये आपका ब्याज है साधारण ब्याज है ये वो ब्याज होता है जो हर साल समान होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है आपको कि साधारण ब्याज हर साल समान होगा लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक

बराबर मूलधन जमा ब्याज उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई पैसा है जैसे मानो दस रुपए है दस रुपए को मैंने दस परसेंट के हिसाब से किसी को ब्याज दिया तो एक सालों के बाद वो कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर, 10 का मतलब होता वो एक हो जाएगा। दो सालों के बाद वो उसमें ब्याज जुड़कर बारह रुपए हो जाएगा तीन सालों के बाद उसमें तीन रुपए ब्याज जुड़कर तेरह रुपए हो जाएगा यानी कभी भी अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज ये बात क्लियर है मेरे भाई चलो बहुत शानदार ठीक दूसरी बात जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं बहुत बच्चे ऐसा ही बराबर पी आर टी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं देखो वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहीं पे हर जगह ज़बरदस्ती का फॉर्मूला नहीं लगाना होता है समझ में आ रहा है बात जैसे मानिए हमने आपको सिंपल सा एक सवाल कहा कि हमारा मूलधन अगर मानिए सौ रुपये है या हजार रुपये है हमारा रेट जो है वो आपको दो परसेंट है या हम ऐसे कह सकते हैं कि दस परसेंट है और समय जो है वो हमारा दो साल है हमने आपसे दो बातें पूछी कि बताइए हमारा ब्याज कितना होगा और बताइए हमारा अमाउंट कितना होगा दो बातें हमने आपसे पूछी हैं कि हमारा ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा अब जनरली अगर कोई स्टूडेंट बेचारा बेसिक पढ़ रहा है तो वो क्या बोलेगा बोलेगा सर देखो गुरुजी हमको बचपन में पढ़ाए थे एक ही बात किताब में पढ़े थे कि एस SI आई बराबर क्या होता है तो एस SI आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे सौ होता है होता है यहाँ पे वो बेचारा क्या करेगा एस आई का फॉर्मूला लगाएगा प्रिंसिपल यहाँ हजार रखेगा ठीक है रेट को दस परसेंट रखेगा और से से काटेगा जीरो से जीरो फिर पता चलेगा अच्छा 200 का ब्याज, है। तो ब्याज निकल कर आएगा दो सौ और फिर आपका हजार रुपया में दो सौ का ब्याज यानी अमाउंट हो जाएगा हमारा बारह सौ लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है हमें सवाल को प्रतिशत के माध्यम से समझना है जो भी विद्यार्थी प्रतिशत के माध्यम से सवालों को समझता है वो सवालों को काफी कम समय में बना सकता है और इससे उसका फायदा और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलती है ठीक है यानी आपको मेरी बात ऐसे समझनी पड़ेगी आप समझो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो दस परसेंट पर हमको दस परसेंट ब्याज मिलेगा तो दो सालों में आप मुझे खुद बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा तो बीस परसेंट दो सालों में ब्याज कितना मिलेगा बीस परसेंट मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है तो सौ परसेंट होता है मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है तो सौ परसेंट होता है आपको क्या निकालना है साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप यह बोलेंगे देखो जिसका जिसका रुपया रुपया में दिया गया होगा को दूसरा पूछा का, बस और कुछ नहीं है साधारण ब्याज बस इतना ही है तो आप बोलोगे और ब्याज हजार हजार मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना है बराबर क्या होता है तो ऐसा ही बराबर

ठीक है तो भी हम निकाल सकते हैं कभी भी प्रिंसिपल अपने आप में सौ परसेंट होता है इस बात को समझो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है सौ परसेंट होता है ब्याज आपको कितना मिला है तो बोलेंगे सर ब्याज हमको जो है वो बीस परसेंट मिला है ब्याज हमको बीस परसेंट मिला मूलधन हमारा सौ परसेंट था तो मिश्रधन यानी अमाउंट जो होगा वो कितना होगा तो बोलोगे एक सौ बीस परसेंट सौ परसेंट की कोई वस्तु थी उस पर बीस परसेंट का ब्याज मिल गया तो वो कितना बन जाएगा एक सौ बीस परसेंट जो यहां पर दिया गया हजार ये क्या है तो बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है यानी ये हजार क्या है तो ये हजार हमारा सौ परसेंट का मान है ये हजार हमारा क्या है तो सौ परसेंट का मान है और हमें पता क्या करना है अमाउंट पता करना है बीस परसेंट का ब्याज हो गया सौ परसेंट मूलधन हो गया यानी हम एक सौ बीस परसेंट का मान पता करेंगे बात खत्म यानी बारह सो जो होगा वो हमारा क्या होगा अमाउंट होगा हम आपको अमाउंट जो है ठीक है हम आपको अमाउंट इसीलिए इस तरीके से बताना चाह रहे हैं ताकि आप सवालों को बड़े आसानी से हल कर पाओ जैसे आपके पेपर का एक क्वेश्चन था नॉर्मल क्वेश्चन था कुछ ज्यादा टफ था नहीं आपके सवाल में आपको अमाउंट दे दिया गया था और अमाउंट आपको दिया गया था पंद्रह सौ रुपए अमाउंट आपको दिया गया था पंद्रह सौ रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो आपका था पच्चीस परसेंट समय जो था वो था आपका दो साल और पूछा गया था बताओ प्रिंसिपल कितना होगा पूछा गया था आपको बताओ प्रिंसिपल कितना होगा अब मानिए आपके सामने यह सवाल है ठीक है मैं आपको सिंपल एक बात कहता हूं कि आप प्रतिशत के लॉजिक को समझिए अगर आप प्रतिशत के लॉजिक को समझेंगे तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे अब प्रतिशत का लॉजिक क्या कहता है मैंने आपको एक बात कहा कि देखो अमाउंट कभी भी होता है तो वो किसके बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है ठीक है प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है तो हमेशा सौ परसेंट होता है और ब्याज का क्या होता है ब्याज का मतलब आर इंटू टी होता है रेट पच्चीस परसेंट समय दो साल यानी ये जना ब्याज कितने होंगे पचास परसेंट यानी यहां पर ये अमाउंट अपने आप में कितना होगा तो डेढ़ सौ परसेंट यानी ये जो भी मान दिया गया है यानी पर जो 1500 दिया गया है ये कितने का मान है तो बोलोगे सर 150 परसेंट का मान है ठीक है कितने का मान है तो 150 परसेंट का मान है क्या निकालना है प्रिंसिपल प्रिंसिपल निकालना है तो कितना परसेंट निकालोगे तो बोलोगे सर 100 परसेंट निकालेंगे जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते हैं और जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं तो यहां से आप डेढ़ से डेढ़ को काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा हजार आ जाएगा और ये क्या होगा प्रिंसिपल होगा अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर यहाँ पे अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर

साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज भी आप बता पाएंगे आप बोलेंगे सर सर ये क्या दिया गया है तो हम बोलेंगे अमाउंट दिया गया है अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट है तो अमाउंट अपने आपका डेढ़ सौ परसेंट है तो अगर ये डेढ़ सौ परसेंट का मान है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है तो हमें कैलकुलेट साधारण ब्याज करना है क्या करना है साधारण ब्याज और साधारण ब्याज कितना परसेंट है तो पचास परसेंट यानी हमें पचास परसेंट का मान पता करना है डेढ़ सौ से डेढ़ सौ खत्म आंसर कितना आएगा पांच सौ हमारा आंसर आएगा प्रतिशत के सवाल को प्रतिशत से ही करोगे तो मजा आएगा कुछ और इस बात को ध्यान रखो फॉर्मूला रटने वालों का कभी भला नहीं हुआ है

कितने का मान है तो छे का मान है कितने का मान है तो छ का मान है हमें क्या पता तो ब्याज आपका कितना आ जाएगा तीन तो जाएगा रुपए आप सीधा का सीधा एक लाइन में ब्याज निकाल सकते हो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कोई पीआरटी के टी फॉर्मूला नहीं लगानी है अगर आपका एग्जामिनर यहां पर आपसे अमाउंट भी पूछ लेता तो

हो सके तो दो तीन सवाल लगाने के बाद आपका हाजिर होगा फादर तब तक हर हर जगह जगह पर वीडियो को वायरल करो हर जगह करो शेयर आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है सवाल नंबर एक जो आपके पेपर में पूछा गया इस साल के सीएचएसएल में कि में पांच हजार रुपए की राशि पर दस परसेंट प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा बताओ कितने सालों के बाद तो पांच सालों के बाद पांच सालों के बाद क्या पूछ रहा है तो पांच सालों के बाद ब्याज पूछ रहा है मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूं एक साल में ब्याज आपको कितना मिलता है प्रतिशत से देखेंगे सवाल को फॉर्मूला नहीं लगाएंगे एक साल का ब्याज होता है दस परसेंट तो पांच साल का ब्याज कितना होगा तो बोलोगे पचास परसेंट पांच साल का ब्याज कितना होगा तो पचास परसेंट पांच साल का ब्याज कितना होगा पचास तो परसेंट किसी भी संख्या का पचास परसेंट क्या होता है आधा होता है यानी हमें मूलधन का पचास परसेंट बताना है पांच हजार का पचास परसेंट कितना होगा पच्चीस सौ होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन

चालीस रुपए में बारह परसेंट के दर से बारह परसेंट के दर से पांच सालों के बाद कितना ब्याज होगा बता दो 12 परसेंट के दर से पांच सालों के बाद का ब्याज पूछा है एक साल का ब्याज कितना तो 12 परसेंट एक साल का ब्याज 12 परसेंट तो पांच साल का ब्याज कितना 60 परसेंट पांच साल का ब्याज कितना 60 परसेंट यानी बोलेंगे सर 9000 9340 रुपए अगर 100 परसेंट का मान है तो हमें कितने परसेंट का मान बताना है हमें साठ का मान बताना है कितने परसेंट का साठ का एक जीरो से एक जीरो खत्म दूसरे जीरो से जीरो जीरो खत्म छ इंटू चार के स्थान पर चार आएगा कौन से ऑप्शन में क्या है स्थान पे चार है एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर एक काम करता मल्टीप्लाई भी नहीं करना मल्टीप्लाई भी नहीं करना यूनिट जीट लगाओ और आंसर पाओ ठीक है मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है तो यानी ये बात हम समझ गए अच्छे से कि अगर हमें यहां पर एक साल में 12 परसेंट ब्याज मिलता है तो पांच सालों में 60 परसेंट का ब्याज मिलेगा जो मूलधन है हमारा अगर 100 परसेंट है तो 60 परसेंट का मान कितना होगा गुना करके निकालेंगे अब आपका हाजिर होता है फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट ठीक है बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट चीज का दावा कर रहा हूं तो यानी बहुत दम है इस बात में इस बात को ध्यान रखो अगर यह कंसेप्ट जान लिया तो सवालों को धाकड़ तरीके से एकदम धुआं धुआं कर दोगे उड़ा दोगे सवालों को यह मैं गारंटी कहता हूं आप लोगों को यह कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ठीक है मैं इतना जोर दे रहा हूं यानी बहुत दमदार कंसेप्ट है इस बात को समझो ठीक है जैसे आपके सामने ये सवाल हुआ इस सवाल में आपसे ये कहा गया है कि साधारण ब्याज देखो कहा गया आपसे द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ऑफ ऑन अ सम इज एंड्रेड वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रूपीज सिक्स थाउजेंड फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट हिंदी में कहे तो तीन वर्षों के अंत में दो हजार रुपए की राशि पर साधारण ब्याज तीन सौ रुपए है पैसा आपका दो हजार है समय आपका तीन वर्ष है कोई रेट होगा हमें उस रेट के बारे में अंदाजा नहीं लेकिन ब्याज हमें तीन सौ मिलता है हमें कहा गया है समान दर पर समान दर पर समान अवधि के लिए जितने समय के लिए दिया था पैसा उतने ही समय के लिए 6000 हजार रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा अब यहां पर मैंने एक सेकंड में कैसे टिक किया आप भी अगर सीखना चाहते हो तो एक सेकंड में टिकने टिप करने का मेथड आप भी सीखो देखो क्या होता है जब हम एक बात को लिखते हैं ना जब हम एक बात को लिखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है इंटू आर इंटू टी बटे हंड्रेड तो यहां पर हमें टोटल तीन चार कंसेप्ट को जानने की आवश्यकता होती है ठीक है और ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने कॉपी में नोट नहीं रिसर्च किया है अब मेरी बात को समझना अगर मान लो कि मैं यहां पर कहता हूं एस आई बराबर P into R into T 100, तो एक चीज हमें जानना है ठीक है टू वेरिएबल कॉन्स्टेंट पहला पॉइंट हम जानेंगे कि अगर हमारे दो वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो तो हम कैसे सवालों को बनाएंगे दो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया जैसे बदलाव नहीं करेंगे तो साधारण ब्याज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल के साधारण ब्याज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके प्रिंसिपल के मूलधन के यानी कल के दिन अगर हम मूलधन को दोगुना करेंगे ना मेरे भाई और रेट और टाइम को हम समान रखेंगे तो हमारा ब्याज भी दोगुना हो जाएगा अगर हम मूलधन को तीन गुना करेंगे तो हमारा ब्याज भी तीन गुना हो जाएगा बचर से कब जब हमारा आर कॉमा टी क्या होगा तो कांस्टेंट होगा जब हमारा आर कॉमा टी क्या होगा तो कांस्टेंट होगा यानी किसी भी दो संख्या को कांस्टेंट रखने में अगर मानो रेट और टाइम को आप कॉन्स्टेंट रखते हो प्रिंसिपल अपने आप का पांच गुना हो जाएगा तो ब्याज अपने आप का पांच गुना हो जाएगा प्रिंसिपल आधा हो जाएगा तो ब्याज आधा हो जाएगा समझ गए हो, तो प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रिंसिपल के यानी रेट और टाइम जब कांस्टेंट हो तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रिंसिपल के बस अभी एक पॉइंट जानो और इसके ऊपर का सवाल देखो अब सवाल देखो यहां पे ये सवाल आपके सीजीएल में पूछा गया था 2020 के प्री में लेकिन क्या यह सवाल हल करना था सवाल में आपको यह कहा गया है कि देखो दो हजार रुपए है मेरे पास गरीब आदमी हूं मैं ज्यादा पैसा नहीं है दो हजार रुपए है।, है तो तीन सौ रुपए है तीन सालों का ब्याज तीन है मेरा दर वही रहेगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा मेरा समय भी वही होगा लेकिन अब अगर उसी पैसे को अगर हम छह को दें तो हमको ब्याज कितना मिलेगा बताओ अब हम छे हजार रुपये देखो दो हजार पे हमको ब्याज अगर हम बात करें प्रिंसिपल की बात करें की तो हमारा जब प्रिंसिपल दो हजार रुपए था तो हमारा ब्याज कितना था तो ब्याज हमारा तीन सौ रुपए था अब हमने प्रिंसिपल को कितना कर कर दिया दिया अब हमने प्रिंसिपल को हजार कर दिया। और रेट हमारा वही है टाइम भी हमारा वही है तो बताओ ब्याज कितना होगा मेरे भाई सिंपल लॉजिक लगाओ ना बुद्धि लगाओ ना खोपड़ी जो है खोपड़ी का प्रयोग करो आप बोलोगे कि सर देखो ना तीन गुना हो गया क्या प्रिंसिपल अपने आपका कितना गुना तीन गुना तो तो ब्याज भी अपने आप का तीन गुना हो जाएगा यानी ब्याज कितना हो जाएगा नौ सौ रुपए हो जाएगा बात खत्म ब्याज कितना हो जाएगा नौ सौ रुपए अगर हमसे अमाउंट भी पूछ लेता ना कोई दिक्कत की बात नहीं छह हजार रुपए का मूलधन नौ सौ रुपए का अमाउंट तो हमारा कितना आता उनहत्तर सौ रुपए जो होता वो हमारा करेक्ट आंसर होता सिक्सटी नाइन हंड्रेड जो होता, वो क्या होता करेक्ट आंसर कल के दिन अगर मानो मुझे यहां पर यह कहता कि आठ हजार रुपए है आठ हजार रुपए पर ब्याज कितना होगा बोलोगे सर मूलधन अगर अपने आप का चार गुना हो रहा है तो ब्याज अपने आप का चार गुना हो जाएगा बात खत्म यानी बारह सौ रुपये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा और अमाउंट बोलेगा तो आठ हजार में बारह सौ जोड़ देंगे बानवे सौ हमारा सही उत्तर आ जाएगा समझ रहे हो बात को यानी कहीं पर भी हमें रेट निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी यहां पे रेट कितना है क्या है क्या नहीं है बस हम सवाल को देखते गए टिक करते गए अगला सवाल आप सभी सभी के लिए एकदम कमेंट बॉक्स में का आंसर आना चाहिए निखिल सरिता ठीक है सीजल एस्पिरेंट जय कुमार सालू मिश्रा बहुत शानदार भाई अगला सवाल देखो अगला सवाल कितना कैलकुलेटिव बना दिया गया है लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है ना ही यहां पर रेट की आवश्यकता है ना ही यहां पर टाइम की आवश्यकता है जो स्टूडेंट मेरे कंसेप्ट को धीरे धीरे तो 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 सीख रहा है वो इन सवालों को धाकर तरीके से सेकंडों में बना पाएगा सवाल में आपसे ये कहा गया है कि 5 देशंग्या, 5 देशंग्या एक में पैंतालीस रुपए है वो है एक में यानी समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है तो पांच दशमलव एक साल है ठीक है प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा पैंतालीस सौ रुपए है ठीक है और हमारा जो ब्याज है वो कितना है तो ब्याज हमारा एक सौ पचहत्तर रुपये है अब सवाल में हमसे ये कहा गया है सवाल में हमसे ये कहा गया है कि उतने ही समय के लिए उतने ही दर पे नौ हजार रुपए में ब्याज कितना होगा नौ हजार रुपये में ब्याज कितना होगा बताओ यानी अभी भी आपका टाइम 5.1 ईयर ही रहेगा ठीक है बस आपका प्रिंसिपल क्या होगा तो प्रिंसिपल आपका नौ हजार रुपए हो जाएगा अब बताओ प्रिंसिपल अपने आप का कितना गुना हो रहा है प्रिंसिपल अपने आपका दो गुना हो रहा है तो ब्याज अपने आप का कितना गुना होगा लल्ला मेरे बताओ एक का दो गुना यानी साढ़े तीन सौ जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा तीन सौ पचास वो कितना भी हमें कोई फर्क नहीं है. हमें तो आंसर बस एक सौ पिछहतर रुपए है कितना ठीक है, ब्याज हमारा है हमने क्या किया प्रिंसिपल को दोगुना कर दिया प्रिंसिपल को हमने नौ कर दिया तो ब्याज भी हमारा दोगुना हो जाएगा कब दोगुना हो जाएगा जब हमारा वही रेट रहे वही टाइम

कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर तब भी आएगा और तब भी एक सेकंड में ही आएगा अब समझो तो आपको पहला कंसेप्ट क्या सिखाया पहला कंसेप्ट आपको यह सिखाया कि यदि दो वेरिएबल कांस्टेंट हो यानी अगर हमारा आर और टी कांस्टेंट होता है तो ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मूलधन के अब आप कंसेप्ट नंबर टू सीखो कंसेप्ट नंबर टू का मतलब क्या हो गया वो देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं यहां बात समझिएगा मेरी बात को ठीक है अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अब हमारे सिर्फ एक चीज कांस्टेंट हो जैसे मानो हमारा टाइम कांस्टेंट हो जैसे मानो हमारा सिर्फ टाइम कांस्टेंट हो ठीक है उसके पहले एक और सवाल लगा लो उसके पहले एक और सवाल लगा लो फिर हम टाइम पर भी चलते हैं एक और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टी हमारा टीसीएस का है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में भी ये सवाल पूछा गया था आपको ठीक है और आपके सीजीएल के मेंस में भी ये सवाल पूछा गया है तो ये सवाल को देखो जरा फिर उसके बाद हम कंसेप्ट नंबर टू पे चलते हैं एक और सवाल आपके सामने कहा गया है बताइए कहा गया सवाल में कि सात साल तीन महीने, ठीक है सात साल तीन महीने के बाद इतने रुपए पर जो ब्याज आता है वो पंद्रह रुपए का आता है तो आपसे कहा गया है मुझे ये बात बता दो कि इतने रुपए पर उतने ही समय के लिए उतने ही के दर से ब्याज कितना होगा अब आप मुझे एक बात बताओ ये सवाल को देख के बच्चा शुरू में क्या करेगा बोलेगा यार अगर मैं रेट निकालने लग गया तो मेरा प्रिंसिपल इतना है टाइम भी साल और महीने में दे रखा है ब्याज सिर्फ पंद्रह रुपए दे रखा है तो रेट तो मेरा बहुत कम आने वाला है रेट तो मेरा डेसिमल में आएगा एक परसेंट दो परसेंट पांच परसेंट के करीब में हो सकता है मैं रेट निकालने क्यों जाऊं हमने तो ये बात सीखी है बस एक ही बात कि मुझे उतने ही रेट पे देना है तो हाँ मुझे उतने ही टाइम पे देना है तो हाँ यानी मुझे सात साल तीन महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता अब बात करते हैं यहां पर प्रिंसिपल की तो जरा प्रिंसिपल देखो तो ये अपने आपका दोगुना है प्रिंसिपल अपने आपका दोगुना हो गया प्रिंसिपल के हो गया दोगुना दो का दोगुना चार एक का दोगुना दो चार का दोगुना आठ तीन का छ दो का चार एक का दो यानी प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हो गया है तो उतने ही दर पे उतने ही समय में प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हो गया तो ब्याज भी अपने आप का क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा समझ में आ गया बात प्रिंसिपल दोगुना रेट जो है प्रिंसिपल दोगुना हो गया रेट वही समय वही तो ब्याज कितना दोगुना कहीं पर भी कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब यह था हमारा कंसेप्ट नंबर वन के ऊपर सवाल अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर टू की जो कि सभी के सभी हमारे आते हैं किसमें फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट

राशि पर पांच परसेंट प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज सौ रुपए है पांच सौ रुपए पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा सवाल पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है यह सवाल इस बार के एम टी के सवाल है ठीक है जो आपको पेपर में पूछा गया एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल कराएंगे कोई ऐसा सवाल मेरा नहीं होगा जो इरेलीवेंट होगा सीधा टक्कर मारेगा आपके एग्जाम में और सवालों को हल कराएगा अब यह सवाल जब आपके पेपर में पूछा गया तो क्या किसी ने वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया कि यार ये सवाल में हमको रेट और टाइम या कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है आपका सवाल में क्या है सवाल में बोला है कि आपका प्रिंसिपल कितना है तो पांच सौ रुपए देखते चलो आपका प्रिंसिपल कितना है तो पांच सौ रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो पांच परसेंट है पांच सौ रुपए पे पांच परसेंट के दर से जो आपको ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है तो बोलोगे सर सौ रुपया मिलता है समझ में आ गया बात बोला गया है बता दो यहां पे उसी पांच सौ रुपए पे यानी अभी भी हमारा प्रिंसिपल इतना ही है लेकिन हमें क्या करना है रेट को डबल कर देना है हमें क्या करना है रेट को डबल कर देना है तो हमारा ब्याज कितना होगा क्या प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हुआ तो नहीं प्रिंसिपल अभी भी वही है प्रिंसिपल अभी भी वही है बस रेट अपने आप का दोगुना हो गया है रेट अगर अपने आप का दोगुना हो गया है तो ब्याज भी अपने आप का क्या हो जाएगा ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा यानी सौ रुपए का जो ब्याज जब वो कितना मिलेगा तो 200 रुपए मिलेगा यानी इसका आंसर कितना होगा तो 200 रुपए यानी आपने एक बात अच्छे से सीख लिया और वो क्या सीखा वो जरा समझिएगा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि S.I. बराबर P into R into T बटे 100 P into R into T बटे 100 तो बस हम एक ही बातों को सीखते हैं अगर मानो यहाँ पे आप रेट और टाइम को रखते हो तो जिस रेट से प्रिंसिपल भागेगा उसी रेट से सिंपल इंटरेस्ट भागेगा प्रिंसिपल को दस गुना करोगे तो ब्याज दस गुना हो जाएगा अगर मानो यहां पर प्रिंसिपल को और टाइम को सेम रखते हो वही प्रिंसिपल वही टाइम लेकिन रेट को दोगुना कर दिया तो रेट को दोगुना करोगे ब्याज दो गुना रेट को पांच गुना तो ब्याज तो पांच गुना ठीक है अब अगर मान लो कल के दिन आप यहां पर प्रिंसिपल को और रेट को सेम रखते हो जैसे वही पांच सौ रुपए थे कल भी दस परसेंट के रेट से दे रहे थे वही पांच सौ रुपए आज भी दस परसेंट के रेट से देते हैं पहले एक सालों के के लिए लिए देते थे तो 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 ब्याज ब्याज आता था अब दो सालों के लिए देंगे तो कितना आएगा तो ब्याज आएगा यानी यहां पर कहेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के यानी जब तीन लोगों में से कोई भी दो समान होते हैं कोई भी दो समान होते हैं कोई भी दो व्यक्ति अगर हमारा समान हो जाए तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस तीसरे के वो वो तीसरा दोगुना होगा तो ब्याज दोगुना वो तीसरा तीन गुना होगा तो ब्याज तीन गुना समझ में आ गया बात जैसे आपका ये सवाल एक और है सवाल नंबर सात को देखिए सवाल नंबर सात क्या कहा है फिर हम इनका कंबाइन फॉर्म देखेंगे और कंबाइन तरीके से इन सवालों को लगाएंगे सवाल में देखो डाटा कितना कैलकुलेटिव है फिर से आपका ये मेंस का क्वेश्चन आ गया ठीक है और ये बहुत कैलकुलेटिव डेटा है इस बात को समझो लेकिन सवाल फिर भी बिना पेन बनेगा। एकदम धुआं धुआं धुआ धुआ कर सकें जाकर आज किसी को भी ये सवाल फेंकिएगा बोलेगा ले बना दे और आप सेकेंडो में बना के दिखाइएगा उसको बोला लो हमने सीखा कहां से सीखा रैंकर्स गुरुकुल से सीखा आदित्य सर से सीखा हमने ये कंसेप्ट और अब हम इसको लगाएंगे और सवालों को सेकेंडो में बनाएंगे वर्ष के अंत में इतना परसेंट की दर से 6.15 परसेंट की दर से ठीक है छह हजार रुपए की राशि पर साधारण ब्याज दो सौ रुपए है छह हजार की दर पर साधारण ब्याज कितना है दो सौ है वही छह हजार रुपए पर समान अवधि के लिए दर से यानी आपने रेट को तीन गुना कर दिया आपने रेट को तीन गुना कर दिया तो साधारण ब्याज क्या होगा आप मुझे तो हाँ हाँ तो हो एसआई बराबर क्या होता है तो एसआई बराबर हंड्रेड होता है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल भी सेम हमारा टाइम भी सेम और रेट अपने आपका तीन गुना हो गया तो क्या ब्याज अपने का तीन गुना नहीं होगा तो बिल्कुल तीन गुना होगा तो पहले ब्याज 200 मिल रहा था तो अब उसका तीन गुना हो जाएगा यानी अब ब्याज हमें कितना मिलेगा तो छह सौ रुपए ब्याज मिलेगा बात खत्म कोई फर्क नहीं पड़ता यहां तीन दशमलव एक साल से कोई फर्क नहीं पड़ता से कोई ऐसे रेट और कोई ऐसे टाइम की आवश्यकता नहीं है ठीक है कोई ऐसी टाइम की आवश्यकता नहीं है बस दो चीजें समान हैं ठीक है ठीके? अब यह सवाल देखो सीजीएल 2019 में विथ टैग मैंने डाला वेरीफाई कर सकते हो सवाल को गूगल पे जैसे डालोगे दिख जाएगा तय कि किया, किया गया है जो अमाउंट है वो पांच का पांच का जो अमाउंट है वो कितना बन जाता है छह सौ रुपए बन जाता है ठीक है कितने सालों में तो दो सालों में कितने सालों में दो साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आधा कर दें तो वही पांच सौ रुपए वही दो सालों में कितना हो जाएगा। क्या पहले था, तो अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने आधा कर दिया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा पहले हम ब्याज कितना कमा रहे थे सौ रुपए अब हम ब्याज कमाएंगे उसका आधा यानी पचास रुपए पांच सौ रुपए प्रिंसिपल था पचास रुपये का ब्याज हो गया तो साढ़े पांच सौ रुपए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा कोई जरूरत नहीं है कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है इस बात को समझिए ठीक है रोज शाम साढ़े आठ बजे आपकी क्लास चलती है रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे डेली सेशन अटेंड किया करो डेली मेरे भाई अपने बुद्धि को जो है और दूसरे तीसरे चौथे लेवल तक पहुंचाओ क्योंकि जैसे मैं हूं मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई सिलेक्टेड हो सीजियल में जैसे मैं एक टॉपर हूं मैं चाहता हूं आप सभी को टॉपर बना के रहो मैं यहां पे ठीक है इसी तरीके से सेशन डेली अटेंड करते रहा करो फिर से दोबारा से समझाता हूं मैं पहले भी मूलधन पांच था अब भी मूलधन पांच है पहले भी पैसा दो सालों के लिए देते थे आज भी पैसा दो सालों के लिए देते हैं बस फर्क यही रहा कि रेट को आधा कर दिया रेट को आधा करने से ब्याज भी आधा हो जाता है यहां पर ब्याज कितने का मिल रहा था सौ का अब ब्याज उसका आधा मिलेगा यानी 50 मिलेगा तो 50 मिलेगा 500 पे 50 का ब्याज यानी तो पांच सौ रुपए साढ़े पांच सौ आंसर है वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई लाइक करते रहे लाइक ठोकते रहे हजार लाइक पहुंचा तुरंत ही हजार लाइक आप लोगों का अभी टारगेट है हजार लाइक पहुंचाइए चलिए हजार लाइक तुरंत पहुंचा दीजिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल अगला सवाल अब हमारा आ गया तीसरा कैटेगरी देखते चलो अगला सवाल में हमसे कहा गया सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ तीन ईयर एट आर परसेंट पर एन सम ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज एक हजार ठीक है दोबारा से पढ़ो तीन वर्ष के अंत में तीन वर्ष के अंत में आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से पच्चीस हजार रुपए की राशि पर साधारण ब्याज एक हजार रुपए है ठीक समान राशि पर समान दर से छह वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा अब हमें क्या क्या समान रखना है तो राशि भी समान रखनी है दर भी 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 हमारा 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 समान रखना है यानी प्रिंसिपल भी सेम हमारा रेट भी सेम रेट ध्यान से समझो प्रिंसिपल भी सेम रेट भी सेम समय को क्या कर दिया तो बोले सर समय पहले तीन वर्ष था अब समय छह वर्ष हो गया समय हो गया दोगुना अगर समय दोगुना हो गया तो बताओ ब्याज कितना कमाओगे तो ब्याज भी दोगुना कमाओगे मेरी बात समझ में आई समय दोगुना तो ब्याज दोगुना गुना यहां ब्याज कितना मिल रहा था हजार अब ब्याज मिलेगा दो हजार बात खत्म सीजल का सवाल था सेकंडो सेकंडो में बनाया धुआं धुआं किया क्यों कंसेप्ट आता है सीखा है हमने कि बिना टाइम निकाले हम सवालों को कर सकते हैं मेरी बात को दोबारा से समझना एस आई बराबर क्या होता है एस आई बराबर पी आर टी अपन हंड्रेड होता है कोई भी दो लोग अगर कांस्टेंट हो तो ब्याज सीधा तीसरे के प्रोपोर्शनल पड़ जाता है ये दो गुना तो ब्याज दो गुना पांच गुना तो पांच गुना दस गुना तो दस गुना हमारा प्रिंसिपल सेम था हमारा रेट सेम था समय को दो गुना कर दिया तो ब्याज भी हमारा दो गुना हो गया बस कोई आवश्यकता नहीं है कुछ और करने की ठीक है अगला सवाल देखो सवाल नंबर दस यहां पर फिर से एक और टीसीएस का कैलकुलेटिव क्वेश्चन खोज के निकाला है आप लोगों के लिए ठीक है खोद के निकाला है बिल्कुल ताकि आप ऐसे सवालों को देखकर आज के बाद परीक्षा में डरे नहीं बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं आप लोग परीक्षा में चाहे रेट इतना खतरनाक दे दे समय कितना भी खतरनाक दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल में आपसे कहा गया तीन दशमलव पांच वर्ष अब बताओ ससुराल को लेखा का दिमाग खराब हो जाएगा तीन दशमलव पांच वर्ष बोलेगा यार ये महीना में कितने के बराबर है अरे को जरूरत ही नहीं है तुमको टाइम का क्या करोगे टाइम लेके कोई जरूरत नहीं है तीन दशमलव पांच वर्ष के अंत में आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से चार हजार रुपए की राशि पर साधारण ब्याज सौ रुपए है चार हजार पर साधारण ब्याज कितना है तो सौ रुपए है समान राशि पर सात दशमलव जीरो आठ वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा बता दो क्या क्या समान रखने को कहा है उसने तो उसने कहा है बेटा तुम राशि को समान रखो वो राशि नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो राशि जो साधारण ब्याज में पड़ते हैं समझ में आ गया बात दर भी समान रखना है यानी प्रिंसिपल रहेगा सेम प्रिंसिपल भी रहेगा सेम रेट भी रहेगा सेम अब टाइम के साथ क्या खिलवाड़ हुआ तो जरा देखो तो यहां पर ये तीन दशमलव पांच चार है और यहां पर सात दशमलव जीरो आठ है क्या समय अपने आप का दोगुना हो गया तो बोलोगे हाँ गुरुदेव समय तो अपने आप का दोगुना हो गया अगर समय अपने आपका दोगुना तो जरा बता दो ब्याजवा कितना हो जाएगा तो ब्याजवा दोगुना होगा कि नहीं होगा तो यहां ब्याज कमा रहे हो सौ तो अब कितना कमाओगे अब कमाओगे दो सौ बात खत्म कैलकुलेटिव क्वेश्चन था कुछ भी था कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को तो कंसेप्ट आता है उसी पे जिंदा रहते हैं उसी पे जिंदा रहेंगे अगला सवाल देखो जरा अब अगला सवाल थोड़ा आ जाएगा घुमा फिरा के मतलब अब तक हम ये डील कर रहे थे कि कोई भी हमारा एक कॉन्स्टेंट रहे ठीक है कोई भी हमारे दो संख्याए कॉन्स्टेंट रहे दो वेरिएबल हमारे कॉन्स्टेंट हो और तीसरा को दो गुना पांच गुना आधा चार गुना कर रहे थे, तो बाकी दोनों के जज्बात बदलते रहते हैं जैसे आप ऐसे समझो कि हमने कहा कि एस आई बराबर क्या होता है तो एस आई बराबर पी आर टी अपन हंड्रेड होता है होता है कि नहीं होता है तो बोलोगे हाँ सर होता है अब हमने कहा कि या तो टाइम को कॉन्स्टेंट रखो और प्रिंसिपल और रेट बदलते रहेंगे या रेट को कांस्टेंट रखो तो प्रिंसिपल टाइम बदलते रहेगा या प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखो तो रेट और टाइम बदलते रहेगा तो इनके चलते जो प्रभाव आएगा वो कंबाइंड आएगा मेरी बात को समझना जैसे मैंने मान लो समय को कांस्टेंट कर दिया टाइम को कांस्टेंट कर दिया ठीक है और मैं प्रिंसिपल को कर रहा हूं अपने आपका दो गुना मैं यहां पर रेट को कर रहा हूं अपने आप का तीन गुना तो मेरा जो ब्याज होगा ना मेरे भाई तीन इंटू दो यानी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा छह गुना हो जाएगा गा इस कंसेप्ट को समझो ठीक प्रिंसिपल अपने आपका दो गुना रेट अपने आप का तीन गुना तो ब्याज अपने आप का कितना गुना हो जाएगा छे गुना अगर प्रिंसिपल को मैं करता हूं तीन गुना रेट को मैं करता हूं यहां पे चार गुना समझ में आई मेरी बात तो ब्याज अपने आप का कितना हो जाएगा ब्याज अपने आप का हो जाएगा बारह गुना सिर्फ ब्याज ही नहीं पूछ सकता है परीक्षा में आपसे अमाउंट भी पूछ सकता है जैसे जरा इस सवाल पे थोड़ा सा अपना प्यारा प्यारा जो है नजर डालिए सवाल में और सवाल को देखिए कि क्या आपने इस सवाल को कभी किसी परीक्षा में देखा है ठीक है और जब देखा था तो कैसे बनाया था था और अब देखोगे तो कैसे बनाओगे जरा ये भी सोच लो ठीक है पहले देखा था तो सोचते थे कि इसको जो है पूरा का पूरा टाइम निकालेंगे रेट निकालेंगे तब बनाएंगे या बेसिकवा से हल करेंगे जिसे लाल हला किताब में दिया रहता है जो लाल हरा किताब पढ़ते हो इसे बेसिक मेथड जो दिया रहता है वैसे हल करेंगे लेकिन वैसे हल करने पे सिलेक्शन हो सकता है क्या अगर सिलेक्शन होता तो जितने बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं सबका सिलेक्शन हो जाता मेरे भाई इस बात को समझो यहाँ पे सिर्फ किताब के पढ़ने से या टुच्ची चीज़ें जानने से सिलेक्शन नहीं होती कुछ अलग चीज़ें आपके अंदर का क्वालिटी होना बहुत जरूरी है तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे कंपटीशन बहुत टफ है वैकेंसी आती है आपको दस हजार फॉर्म भरने वाले होते हैं दस लाख ठीक है प्री देने जाते हैं पांच लाख देने जाते हैं दो लाख डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं पचास हजार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाते हैं तीस हजार और पोस्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ उन दस हजार लोगों को तो सोचो कंपटीशन कितना ज्यादा है अगर आप जिस सिटी में है जिस शहर में है अगर वहां पर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है तो यू समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है ठीक है कंपटीशन इतना खतरनाक है कंसेप्ट को अपना दोस्त बनाइए ठीक है वही आपकी सहायता करेगा वही आपकी मदद करेगा परीक्षा में वही काम आएगा कैलकुलेशन के साथ दोस्ती करिए सुबह शाम उठ के उसके साथ खेलिए उसके साथ जो है डेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए तो आपका जो है पेपर निकलना तय है इस बात को ध्यान रखो अब सवाल को देखो क्या कहा गया है सवाल में हमसे कहा गया है टी वर्ष के अंत में आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है तो सौ रुपए है टाइम कितना है तो टी ठीक है रेट कितना है तो आर प्रिंसिपल कितना है तो पी समझ में आया बात और ब्याज जो है हमारा वो कितना है तो बोलोगे आपने तो समय को आपने कर दिया है तीन गुना समय को कितना गुना तीन गुना रेट के साथ आपने क्या किया है तो रेट को आपने कर दिया है कितना गुना मेरे भाई तो दो गुना कर दिया है अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे आपने रेट को किया दो गुना आपने गुना तो जब रेट दो गुना और टाइम दो गुना तो बताओ ब्याज कितना गुना हो जाएगा तो ब्याज हो जाएगा अपने आपका छे गुना दो कितना गुना छे गुना यानी सौ का 6 गुना कितना होगा तो बोलोगे सर छह सौ रुपए क्या आएगा मेरे भाई तो छह सौ रुपए का ब्याज होगा ठीक है छह सौ रुपये क्या हो जाएगा तो ब्याज हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल देखिए फोड़िए जल्दी से क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह जरा देखिए सवाल में क्या कहा है कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ठीक है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर यानी समय कितना है तो बोलेंगे सर टी ईयर रेट कितना है तो आर परसेंट उसके बाद कहा गया है पैसा कितना है तो पी रुपया और ब्याज कितना है तो बोलोगे सर साठ रुपए का ब्याज देता है अब हमसे कहा गया है बताओ अब हमसे कहा गया है वही पैसा रहेगा पैसवा तो तुम्हारा वही रहेगा ठीक है समय को कितना गुना कर दिया गया है तो पांच गुना समय को कितना गुना तो पांच गुना रेट के साथ क्या किया गया है तो रेट को एक तिहाई कर दिया गया है रेट को एक तिहाई कर दिया गया है रेट को एक तिहाई कर दिया गया है समझना टाइम को पांच गुना रेट को एक तिहाई प्रिंसिपल सेम तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं ब्याज था साठ प्रिंसिपल देखो समय के पांच गुना होने की वजह से ब्याज भी अपने आप का पांच गुना हो जाएगा और रेट के एक तिहाई होने की वजह से रेट जो है रेट के एक तिहाई की वजह से ब्याज भी अपने आप का एक तीन हो जाएगा तीन से काटोगे बीस बार में बीस इंटू पांच कितना हो जाएगा तो बीस इंटू पांच आपका सौ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे ऑप्शन नंबर ए डबल एव ऑफिसर ऑप्शन नंबर ए आपुन बनेगा इंस्पेक्टर समझ में आ गई बात यहाँ पे दोबारा से समझो टाइम हो गया पांच गुना रेट हो गया एक तिहाई तो अगर टाइम पांच गुना तो ब्याज भी अपने आप का पांच गुना रेट एक तिहाई तो हमारा ब्याज भी अपने आप का एक तिहाई यानी साठ को पांच और ए वन थर्ड के साथ गुना करना था गुना किया तो कितना आया सौ आया सौ हमारा करेक्ट आंसर है जल्दी से यहां पर 500 प्लस लाइव पहुंचा दीजिए जल्दी से साढ़े पांच सौ प्लस लाइव चाहिए मेरे दोस्त ठीक है साढ़े पांच सौ प्लस लाइव पहुंचा दीजिए जल्दी से किसी भी हाल में हर जगह पर शेयर करिए आप लोग का टारगेट है पांच सौ पचास प्लस लाइव चाहिए पांच सौ पचास प्लस लाइव दोस्त ठीक है पांच सौ पचास प्लस लाइव इतना बेहतरीन कंसेप्ट रात भर जाके आप लोगों के लिए ईजाद किया है ठीक है तो इतना तो लाइव जरूर बनता है ठीक है जल्दी से शेयर कर दीजिए हर जगह पे वीडियो सवाल नंबर तेरा है तो तेरह लेकिन तेरह क्या होगा ये बताओ पहले इस सवाल से पूछो कि तेरह क्या होगा सवाल तो सेकंडों में बनने वाला है सवाल को देखो कहा गया टी वर्षों के अंत में आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है तो बोलोगे अस्सी तो ब्याज कितना है मेरे भाई तो अस्सी अब जरा समय के साथ देखो समय के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है तो समय अपने आपका एक चौथाई समय अपने कितना हुआ एक चौथाई तो ब्याज भी अपने कितना हो जाएगा ब्याज भी अपने समय दो गुना तो ब्याज दो गुना समय पांच गुना तो ब्याज पांच गुना समय छह गुना तो ब्याज छह गुना समय अपने आपका हुआ है उसके बाद अगर हम रेट की बात करें तो पहले पैसा आर परसेंट पे दे रहे थे अब पैसा तीन आर परसेंट

वट विल बी द ठीक है साथ में एक और चीज कहा, कहा गया है डबल दसम कहा गया है मूलधन को भी आप दोगुना कर रहे हैं देखो सवाल में छुपा हुआ है यहां पे प्रिंसिपल को भी दोगुना कर दिया गया मतलब यह सबसे बढ़िया वाला सवाल दोबारा से देखो यहां पे दोबारा से मैं आपको समझाता हूं आपका ब्याज कितना था तो बोलेंगे सर अस्सी रुपये ब्याज कितना था अस्सी रुपए सबसे पहले आपने क्या किया तो आपने यहां पर जो है उसी राशि पर देखो उस राशि के दोगुने पर आपने यहां पर समय को एक चौथाई किया तो ब्याज भी अपने आपका एक चौथाई हो जाएगा फिर उसके बाद आपने जो है पैसे को डबल कर दिया उस सम को डबल कर दिया तो ब्याज भी अपने आपका दोगुना हो जाएगा फिर उसके बाद रेट के साथ क्या खिलवाड़ किया आपने पहले आर परसेंट पर देते थे अब तीन आर पर यानी रेट को आपने क्या कर दिया तीन गुना कर दिया चार से काटेंगे तो बीस बार में कटेगा तीन इंटू दो छे छे इंटू दो कितना हो जाएगा बारह ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा सी फॉर कोरोना समझ में आया बात कोरोना काल कोरोना सुन के ही जो है दिल में दहशत आ जाता है बिल्कुल समझ में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर मतलब ये एक ऐसा सवाल है जहां पर आपका प्रिंसिपल भी बदल रहा है आपका टाइम भी बदल रहा है आपका रेट भी बदल रहा है फिर भी हमने सवाल को जो है वो बिना कलम उठाए बनाया है बस कंसेप्ट समझ गए हैं और सबके धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो तब समझ में आएगा जब आप मेरे साथ शुरू से बने रहोगे और आप मेरे कंसेप्ट को सीखोगे जानोगे अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप लोगों से क्या कहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कहा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में सिंपल कहा है ब्याज जो देखो यहां पर क्या बोला तीन वर्षों के अंत में टूपी रुपए की राशि पर आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है सौ रुपए है यहां पर समय है तीन साल पैसा है टूपी रेट है आर परसेंट ब्याज है सौ रुपए कहा गया तीन आर परसेंट की दर से पांच वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा बता दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए ऐसा सवाल कि पढ़ने में ही हमारा एक मिनट खराब हो जाए लेकिन बनाने में सिर्फ लगेंगे कितना तो बनाने में लगेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड अंकित कुमार कहते हैं सर 500 लाइव हो गए पांच नहीं साढ़े चाहिए मेरे भाई साढ़े प्लस लाइव पहुंचाइए तुरंत आप लोग हर जगह वीडियो को शेयर करिए धुआं धुआं कर दीजिए अगर आप रोज चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंसेप्ट आप लोगों को आके यूट्यूब पर पढ़ाऊं तो आपको भी वीडियो शेयर करनी पड़ेगी आपको

पैसा था कितना प्रिंसिपल कितना था टू पी तो ब्याज मिलता था हमारा सौ ब्याज हमारा मिलता था कितना सौ अब हमसे कहा गया है कि पैसा को तुम तीन गुना कर दो यानी टू पी है तो तुम कर दो थ्री पी

हुआ दो बटे तीन था तो इसका उल्टा तीन बटे दो से हुआ अगर मानो देखो ये चीज समझना पड़ेगा आपको टू को तो, तो मुझे, तो मुझे, मुझे यानी मुझे दो को तीन बनाने के लिए तीन बटे दो के साथ गुना करना पड़ेगा मुझे दो को तीन बनाने के लिए तीन बटे दो के साथ गुना करना पड़ेगा अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि पांच पी है और यहां सात पांच को सात बनाने के लिए क्या करेंगे तो बोलोगे सर पांच को सात बनाने के लिए पहले तो पांच को पांच के साथ भाग करो ताकि एक बन जाए और फिर सात से गुना करो ताकि साथ बटे से गुना किया गया है तो बोलोगे पांच बटे तीन के साथ गुना किया गया है ठीक है अगर समय में पांच बटे तीन का गुना लगाया गया है अगर समय में इस सवाल को देखो ऐसे लिख देता हूं टाइम की अगर बात करें तो टाइम पहले

कितना है बता दो यहां पर अब प्रिंसिपल तिगुनी राशि है यानी अब प्रिंसिपल तीन पी है तो कितना से गुना करेंगे तीन बटे दो से यानी यहां एक बात हमने सीखा जरा देखो टाइम अपने आपका पांच बटे तीन रेट अपने आप का तीन गुना प्रिंसिपल अपने आपका तीन बटे दो गुना तो इन सभी चीजों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्या ब्याज हो जाएगा ब्याज मेरा था कितना बताओ यहां पर तो ब्याज मेरा सौ रुपए था ब्याज मेरा कितना था तो सौ रुपए था सौ को पहले पांच बटे के साथ गुना करो क्योंकि अगर टाइम पांच बटे गुना

डी फॉर ठीक है क्या हो जाएगा डी फॉर देवसेना डी फॉर दिल मांगे मोर भैया ऐसे सवाल तो और मांगता है दिल ठीक है समझ में आ गया बात मेरे ठीक है चलिए आ जाइए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है आ जाइए अगले सवाल पे देखिए बहुत शानदार भाई बहुत शानदार की पीटक आ जाओ अब देखो अगले सवाल कुछ आपको ऐसे पर पर मिलते हैं जहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है ठीक है? कि लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आपको ऐसे सवाल मिलेंगे और ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको ऐसे सवालों को कैसे हल करना है देखते चलो मतलब ऐसे सवाल क्या पूछेगा कि कितने वर्षों में कोई भी राशि साढ़ा बारह परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा कभी यहां साढ़ा बारह परसेंट होगा कभी यहां दस परसेंट होगा कभी यहां बारह परसेंट हो सकता है कुछ भी प्रतिशत हो सकता है प्रिंसिपल का बराबर भी हो सकता है ब्याज प्रिंसिपल के दो गुना भी हो सकता है प्रिंसिपल के पांच गुना भी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट सिर्फ सा है और वो सा कंसेप्ट को हमें सीखना है क्या सीखना है तो बताओ यहां पर रेट कितना है तो रेट हमारा साढ़ा है साढ़ा को अगर हम कहते हैं, तो हम कहते हैं सर ये हमारा कितने के बराबर तो एक बटे आठ के बराबर हमेशा याद रखेंगे जानी हमेशा मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये जो होता है प्रिंसिपल होता है और ये जो एक होता है कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरी बात को समझे ठीक है यहां पर यह बात हमसे कहा जाता है कि एक सालों में जो ब्याज होगा वो कितना होगा एक रुपए दो सालों में ब्याज दो रुपए तीन सालों में ब्याज तीन रुपए चार सालों में ब्याज चार कि बराबर होगा प्रिंसिपल के यानी प्रिंसिपल कितना है तो आठ रुपए और साधारण ब्याज कितना है एक रुपए इस एक को आठ बनने में कितना साल लगेगा तो एक साल का ब्याज एक रुपए और कितना ब्याज कमाना है आठ रुपए यानी हमको लगेंगे आठ साल तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है करेक्ट आंसर है जल्दी से हजार प्लस लाइक पहुंचा दीजिए हजार प्लस अंगूठों का निशान होना चाहिए मेरे भाई हजार प्लस लाइक पहुंचा दीजिए तुरंत ही जल्दी से जल्दी से पहुंचा दीजिए हजार प्लस लाइक ठीक है समझ गए मेरी बात को एक साल का ब्याज एक रुपए अगर मानो यहां पे अब दो कंसेप्ट हम सीखें अब हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि देखो ब्याज हमारा एक रुपए था इसको अगर मुझे आठ बनाना था तो मुझे आठ के साथ गुना करना था अगर कल के दिन मुझे ऐसा कह देता बताओ कि कितने सालों में जो ब्याज है वो मूलधन का दोगुना हो जाता है वो ब्याज है वो मूलधन का दोगुना हो जाता है मूलधन अगर आठ है तो मूलधन का दोगुना कितना सोलह अगर एक साल में एक का तो का ब्याज ब्याज तो तो कितने सालों में? तो बोलते सर, सालों में में बोलते सर होता अगर कल के दिन कहता मूलधन का तीन गुने के बराबर हो जाए ब्याज मूलधन के तीन गुने के बराबर हो जाए तो मूलधन का एक गुना आठ तो मूलधन का तीन गुना कितना होगा चौबीस एक साल में एक रुपया का ब्याज ठीक है तो चौबीस साल में चौबीस रुपए का ब्याज आएगा हमें इस बात को ध्यान रखना है समझ में आ गया बात यहाँ पे तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा इस सवाल का उत्तर आठ होगा क्वेश्चन नंबर सोलह देखो ठीक है सोलह का मतलब होता है अपने आप में सोलह आना हंड्रेड तो को करेगा हंड्रेड परसेंट समझ में आ गया बात पूरी तरीके से ठीक है पूरी तरीके से आपके बुद्धि में जो है पूरा कंसेप्ट डाल देगा सवाल देखो आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सवाल ऐसा है जो सीजीएल में भी पूछा गया है सीएचएसएल में भी पूछा गया है यूपीएसआई में भी पूछा गया है इस कंसेप्ट पर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सवाल नहीं आया है और मेरा दावा है कि ये रेलवे के सीबीटी टू में भी पूछा जाएगा इस बात को ध्यान रखो तो ये फाउंडेशन बैच से आप लोगों को काफी मदद मिलने वाली है इसका दावा मैं आपसे कर रहा हूं बहुत ऐसे कंसेप्ट आप डेली शाम साढ़े बजे सीखेंगे जो आपने कभी सीखा ही नहीं होगा आपने ऐसे नजरिए से सवालों को देखा ही नहीं होगा ठीक है और जिस दिन देखना शुरू कर दिया आप लोगों ने उस दिन समझ लीजिए तहलका हो गया अब सवाल को देखिए कहा गया है कितने वर्षों में किसी भी राशि साढ़ा बारह परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के अभी बताया था मतलब है? है। एस आई है उसको इसके दोगुने के बराबर होना है सोलह बनना है अगर एक में एक साल में एक का ब्याज सोलह का ब्याज कमाना है कितने सालों में कमाएगा तो बोलोगे सर हंसी खुशी राजी सोलह जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा सोलह जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा समझ में आया मेरी बात ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सत्रह देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सत्रह बढ़िया सवाल सवाल को देखो क्या कहा गया कहा गया सवाल में कितने वर्षों में कितने वर्षों में यहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी सम ऑफ मनी में बराबर हो जाएगा पांच गुना किसके मूलधन के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पच्चीस हो आपका ब्याज का दर पच्चीस और बोला गया है कि ब्याज को कितना गुना होना है तो ब्याज को हमारे पांच गुना होना है ब्याज को कितना गुना होना है मेरे भाई तो पांच गुना दोबारा से समझो रेट को तोड़ोगे बस कुछ नहीं करोगे रेट को तोड़ोगे 25% का मतलब होता है एक बटे चार। नीचे वाला क्या होता है तो प्रिंसिपल ऊपर वाला क्या होता है एसआई मुझे बताओ एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है तो बोलोगे सर एक साल में ब्याज एक रुपया और कितना ब्याज कमाना है तो कितना ब्याज कमाना है तो बोला गया साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए इसके तो मूलधन के पांच गुना के मूलधन के पांच गुना के यानी मूलधन अगर हमारा है तो इसका पांच गुना यानी हमको ब्याज कमाना है कितना तो बीस रुपया एक साल में एक रुपया तो बीस साल में कितना रुपया बीस रुपया ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कहो ना इंस्पेक्टर बनने वाले हैं एक बार तो कह दो कि इंस्पेक्टर बन जाएंगे बस कह दो उसके बाद जो है अभी प्राइवेट बाबू बने हुए हैं अगली बार सरकारी बाबू बन के दिखाएंगे बस कह भी दो एक बार कि इंस्पेक्टर बन जाओ ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोबारा से समझ लो मूलधन का पांच गुना कहा गया है अगर मूलधन यहाँ पर अपने आप का जो है देखो यहाँ पर पांच गुना हो रहा है तो पहले यहां पर देखो एक साल में एक रुपया का ब्याज तो बीस रुपया कमाने के लिए बीस साल लग जाएंगे ठीक है अब आ जाओ एक और फेवरेट क्वेश्चन पे जो आपके

गया है कि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो 29 गुना कितने सालों में हो जाएगी जल्दी से बता दो 29 गुना कितने सालों में हो जाएगी बता दो यहां पे ये हमसे पूछा गया है जल्दी से बता दो अब उल्टा कर दिया गया है सवाल को अब सवाल में आपका गुना दे दिया गया और बोला गया है समय कितना होगा बता दो ठीक है जल्दी से बता दो मेरे भाई जल्दी से बता दो यहां सवाल में क्या कहा गया है बहुत शानदार बहुत शानदार देखो सवाल में हमसे कहा गया है कि अपने आप का देखो 36 गुना कितने सालों में हो रहा है तो अपने आप का 36 गुना 100 सालों में हो रहा है कहा गया है अपने आप का उनतीस गुना कितने सालों में होगा अपने आप का उनतीस गुना कितने सालों में होगा आपको ऐसे समझने की जरूरत है आपको ऐसे समझने की जरूरत है कि अगर कोई प्रिंसिपल मान लो एक था वो बन गया हमारा छत्तीस वो बन गया हमारा छत्तीस यानी कितने का ब्याज मिला मुझे

में बीस शो के कितना हो जाएगा तो अस्सी जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर होगा 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 जो हो वो हमारा क्या होगा? इस बात को समझिए कोई चीज अपने आप का गुना हो गई तो सौ सालों, सालों में कमा रही है तो अट्ठाइस रुपया का ब्याज कितने में कमाएगी यानी सौ पैंतीस का मान है तो अट्ठाइस का मान कितना होगा अब अगला सवाल मेरा आप लोगों के लिए ताकि आप धुआं धुआं कर दे आप समझ पाए इस सवाल को अगर मानो आपका एग्जामिनर कल के दिन इस कंसेप्ट में बदलाव कर देता है थोड़ा सा बदलाव आपको कर देता है यहाँ पे और इस सवाल में आपको उनतीस गुना ना देके इस सवाल में आपको उनतीस गुना ना देके आपको जो है आपका एग्जामिनर कितना गुना दे देता है मान लो

43 टाइम्स में आंसर निकालो कितना आएगा 43 टाइम्स ठीक है 43 टाइम्स में आप यहां पर ऑप्शन नंबर जो है इसको कर लो नन ऑफ दीज ठीक है कंसेप्ट को समझोगे ना मेरे भाई तो तहलका मचा दोगे पेपर में अगर कंसेप्ट नहीं आते हैं तो उड़ जाओगे फिर पेपर में यह भी ध्यान रखना सवाल बड़ा साधारण है है कहा गया 36 गुना होता सौ सालों में तैतालीस गुना होगा कितने सालों में तो आप बोलेंगे सर छत्तीस गुना का मतलब पता है क्या हुआ अगर कोई चीज अपने आप का छत्तीस गुना हो रही है यानी पैंतीस का ब्याज कमा रही है और पैंतीस का ब्याज कमाने में कितने लग रहे हैं सौ साल लग रहे हैं यहाँ पे सौ साल लग रहे हैं है। अब वही चीज अपने आपका कितना गुना होगी तैंतालीस गुना तैंतालीस गुना का मतलब ब्याज कितना होगा तो

करेक्ट आंसर होगा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में सेम तरीके से कहा गया है यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर कहा गया है सेम तरीके से ठीक है लेकिन थोड़ा सा आपको तरीका बदल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में देखो सवाल पूछने का नयाब तरीका कहा गया है आपको कि एक राशि साधारण ब्याज पर बारह वर्षों में स्वयं का सात गुना निवेश की जाती है तो बयालीस वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा बारह वर्षों में सात गुना होता है बारह वर्षों में सात गुना होता है तो बयालीस वर्षो में कितना होगा बारह वर्षों में सात गुना तो बयालीस वर्षों में कितना आप मुझे बताओ यहाँ पे बारह वर्ष में अपने आप का सात गुना यानी एक चीज अपने आप का कितना गुना मतलब यह है? मतलब है कि हमें ब्याज छह रुपया मिल रहे हैं और छह रुपया का ब्याज मिल रहा है कितने सालों में तो बोलेंगे सर बारह सालों में बारह सालों में मुझे कितने का ब्याज मिल रहा है सर छे रुपया का ब्याज मिल रहा है अब कहा गया बयालीस सालों में अब कहा गया यहां पर कितने सालों में मेरे भाई तो सालों में बयालीस कहा गया है आप मुझे बताओ बारह को कितने से का ब्याज यानी इसका आधा मिल रहा है तो बयालीस सालों में इसका आधा ब्याज मिलेगा देखो बारह साल में बारह साल में छे रुपया का ब्याज तो एक साल में आधा रुपया का ब्याज तो बयालीस साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा तो बोलोगे बयालीस साल में इक्कीस रुपया था ब्याज हमारा प्यार है किससे प्यार है अपने सपनों से प्यार है किससे प्यार है अपने माँ बाप के उस हकीकत से प्यार है जो हम बनना चाहते हैं सितारों से प्यार है उस वर्दी से प्यार है उस रोब से प्यार है ठीक है अपने वतन से प्यार है बिल्कुल तो कह दो कि प्यार है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है दोबारा से समझ लीजिए कोई चीज अपने आप का सात गुना होती है तो कितना ब्याज आता है छह रुपया का ब्याज आता है कितने सालों में आता है तो बारह साल में बारह साल में, में छ रुपया का ब्याज अब कहा गया है बयालीस साल में कितना तो बयालीस साल में मेरे भाई कितना का ब्याज आएगा इक्कीस रुपया का ब्याज आएगा इसका आधा ब्याज मिल रहा था तो इसका आधा ब्याज मिलेगा एक रुपया प्रिंसिपल था इक्कीस का ब्याज मिला तो कितना हो गया बाईस गुना अपने आप का हो गया अब अगर मानो इसी सर देखो, साल में छह रुपया का ब्याज तो पचास साल में कितने का ब्याज पच्चीस का ब्याज पचास में कितने का ब्याज पच्चीस का ब्याज एक रुपया मूलधन था पच्चीस ब्याज है छब्बीस हो गया तो अपने आपका कितना गुना छब्बीस गुना अपने आपका कितना गुना मेरे भाई छब्बीस गुना यहां पे ठीक है तो इसी तरीके से जो है सभी सवाल आप बना सकते हैं एक सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं ताकि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे आंसर इन कमेंट बॉक्स मेरे भाई आंसर इन कमेंट बॉक्स ये सवाल अगर आपने समझा है तो बस कुछ नहीं करना कमेंट बॉक्स में धाकड़ तरीके से आंसर देना है ताकि हम समझ पाए कि आपने पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट सीखा है आपने फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट सीखा है और याद रखिए रोज शाम साढ़े बजे रोज रात साढ़े बजे आपकी क्लास चलती है लाइव चलती है यूट्यूब पर सभी के लिए फ्री है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर करिए अपने दोस्तों तक तो पहुंचाइए को, को, तो को कोई ऐसा एग्जाम नहीं है चाहे वो सीजीएल हो, हो ठीक है या सीडीएस हो पचास पचास में पचास पचास में पचास रहे हैं इनफैक्ट सीजीएल से मैं खुद एक इंस्पेक्टर रैंक पर सेलेक्टेड हूँ सीजीएल एक टॉपर भी हूं मैं उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे टॉपर बनो मेरे साथ

आपको सीजल का मेंस भी देना है आपको सीएचएसएल का भी पेपर देना है और जिस तरीके से बेटा टीसीएस में ले रही है ना मेरे भाई अगर लपेटे में आ गए उसके एवरेज के सवालों में तो समय बढ़िया खराब हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का समय बर्बाद हो एवरेज के सवालों को लेकर इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए ठीक है चैप्टर वाइज मैंने ब्रेक कर रखा है आपको बहुत फायदा होगा इसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं आप वहां से भी इसका फायदा उठा सकते हैं आप एक बार देखिए आपको यकीन बहुत प्यार हो जाएगा इस वीडियो से ये मैं दावा करता हूं आपको फ्री वीडियो है आराम से अटेंड करिए इसको आप ठीक है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आज हमारा मैथ स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट मैथ आपको कराया जाएगा चैंपियंस 2.0 जी हाँ बिल्कुल चैंपियंस 2.0 ऐसे ही आपको चैंपियंस बनाए जाएंगे ठीक है बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक मैं आपको चैंपियंस बनाऊंगा कंप्लीट अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस कैलकुलेशन ट्रिक्स हो गए आपके ठीक मतलब है ये सभी चीजें वैलिडिटी लेना है के साथ आपको ये बैच मिलेगा. इसके अलावा मैं आपको इतने नोट दे दूंगा ठीक है और इतने जबरदस्त जबरदस्त पीडीएफ प्रीमियम पीडीएफ ठीक है डिजिटल क्लास नोट्स आपको मिलेंगे जो इंडिया में मैंने पहली बार शुरुआत की है बच्चों को डिजिटल क्लास नोट्स देना ठीक है प्रैक्टिस शीट देना आपको

चार सवा पांच है ठीक है फीस जो है वो आठ सौ कंप्लीट मैथ का इसके अलावा जितने बच्चे हैं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें है, है, तो जिस मैंने पूरा मैथ खत्म करवा दिया है उसकी फीस इससे भी दो सौ रुपए और कम है उसकी फीस छह सौ नवे रुपए है सभी कहां पर मिलेगा तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे कोई भी परेशानी है तो आप इस इंक्वायरी बैच के क्या देखो, जो बच्चे अगले साल का पेपर दे रहे अच्छा है, है. हैं, तो पे हैं ठीक है बस थोड़ा सा ग्रूम करने की आपको आवश्यकता है थोड़ा सा उन सभी सवालों पर ट्रिक करने की आवश्यकता है बेशक आप एक साल दो साल से तैयारी कर रहे होंगे लेकिन आप आपको जानना चाहिए तो आप मैं डाउनलोड करके मैथ रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं उसी तरीके से हमारा रीजनिंग स्पेशल इंग्लिश स्पेशल भी है यहाँ पे देखिए रीजनिंग स्पेशल हमारे रीजनिंग गुरु के द्वारा जिनको कोई पहचान और नाम की जरूरत है नहीं अपने आप में नाम बहुत काफी है बहुत बच्चों को बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे ठीक है अगर कलम पकड़ी है तो बस बच्चों के भलाई के लिए उसी तरीके से हमारे अनिल सर एकदम नया जोश नया खून आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं ठीक है और बाकी मेरे बारे में तो आप जानते ही जानते ही हैं तो हम तीनों टीचर का जो स्पेशल है वो आपको मिलेगा सेम विक्रमजीत एप्लीकेशन पे अलग, -अलग लोगे तो नौ सौ नौ सौ है इकट्ठा लोगे आप अगर तीनों का तो आपको ऑफर मिलेगा छह सौ का डिस्काउंट हो जाएगा तो आपको ये बैच कितने में मिलेगा तो इक्कीस सौ में देखो यहाँ पे ठीक है कहां से मिलेगा आपको ये बैच तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे कल पहली क्लास मेरी स्टार्ट होगी एप्लीकेशन पे तो तुरंत एनरोल कर लो डिले ना करो नुकसान हो जाएगा ठीक है मेरे भाई चलो तो इसी के साथ मिलते हैं आज के लिए यहीं पर अलविदा नमस्कार वीडियो में जरूर कमेंट करना यहां पे आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करें आप इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी होती है पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई डाउट होता है आपको तो आप जरूर कमेंट करो मैं आपके डाउट को जरूर देखूंगा ठीक है आपके कमेंट को मैं जरूर देखूंगा और जितनी सहायता हो पाएगी बड़े भाई के नाते मैं जरूर आप लोगों को करूंगा फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तैयारी करने में कोई दिक्कत है पढ़ाई में कोई दिक्कत है शेड्यूल नहीं बन पाता है या कोई भी परेशानी है तो जरूर शेयर करें हमसे ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें आपको आपकी जो है पूरी तरीके से सहायता की जाएगी इसके अलावा अगर आपको बैच का कोई भी इंक्वायरी है तो मेरे भाई आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके तत्पर पूछ सकते हैं सदैव आपकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं धन्यवाद